फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। मैं आप सभी से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपना। मैं एक लोकल मार्केट में गया तो वहाँ पे मैंने देखे काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखे, जैसे कि LED हो गया और होम थिएटर हो गया और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं ये सभी देखे। तो वहाँ पे कुछ मतलब है, एक ब्रांड की यदि बात करें हम तो एक ब्रांड जैसे होता है जैसे सैमसंग, LG, जैसे मतलब इस्टेब्लिश ब्रांड है जो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे, सभी लोकल ब्रांड के थे और ज़्यादातर प्रोडक्ट जो थे नॉन ब्रांड ही थे वहाँ पे। तो मतलब वो पूरा लोकल मार्केट ही था एक प्रकार का। तो वहाँ सभी जगह वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट थे अलग अलग ब्रांड नाम से। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे देखे। तो मैंने काफ़ी सारी LED TV देखी, स्मार्ट TV, नॉन स्मार्ट TV, सभी TVs थे। एंड्रॉयड TV था और ओपन जो एंड्रॉयड बोल सकते हैं हम उसे, मतलब रजिस्टर्ड एंड्रॉयड नहीं था शायद तक, एक ओपन एंड्रॉयड सिस्टम ही था शायद। तो काफ़ी सारे मैंने ऐसे LED TVs देखे और काफ़ी सारे होम थिएटर देखे और जितने भी जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आते हैं लाइक एयर कूलर हो गया और रेफ्रिजरेटर वगैरह, मतलब जो बड़े अप्लाइंसेस हैं वो नहीं थे, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं मैक्सिमम सभी आइटम्स मुझे देखने को मिले और ऐसे ऐसे प्राइस में देखने को मिले जो कि आपने शायद कभी सुना नहीं हो, शायद कभी देखा नहीं हो। तो वो सभी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो तो लगभग मुझे मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट और एक नॉन ब्रांड प्रोडक्ट को दोनों को यदि कंपेयर करें तो क्वालिटी वाइज दोनों देखने में लगभग सेम ही दिख रहे थे। और आपको यहाँ पे मैंने जितनी भी LED TVs देखी तो मुझे यहाँ पे मतलब यदि एक नॉर्मल इंसान हो जो दोनों मतलब ब्रांड और नॉन ब्रांड में कोई फ़र्क नहीं समझता तो वो शायद तक उसको बेवकूफ़ भी वहाँ पे बना दिया जाता है कि एक ब्रांड बोल करके कि लाइक मतलब एक सैमसंग का LED TV वहाँ पे एक ब्रांडेड LED TV हो, एक नॉन ब्रांड हो, लेकिन उस पर लेबल सैमसंग का लगा हुआ है तो वहाँ पे देखने में दोनों सेम एज इट इज़ सेम ही थे। लेकिन वहाँ पे कोई दूर से देख करके कोई बोल नहीं सकता कि ये दोनों अलग अलग TV, दोनों सेम TV हैं, ऐसे सेम देखने में लगेगा। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यदि मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा बहुत फंक्शन का डिफरेंस उसमें देखने को मिला, जो प्रोग्रामिंग एक प्रकार से कह सकते हैं OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस था। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि मार्केट में इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि आपको काफ़ी सारे लोकल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं जो एक हम बोल सकते हैं उसको असेंबलिंग प्रोडक्ट आपको बोल सकते हैं। तो दिखने में दोनों सेम ही हैं और मतलब क्वालिटी वाइज भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दोनों में दिख रहा था। तो यहाँ पे यदि बात करते हैं, यदि प्राइस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि तो मैंने जब उनका प्राइस कंफर्म किया तो वहाँ पे मुझे, आप क्या सोच सकते हैं कि एक LED TV यदि 32 इंच का LED TV यदि आप मार्केट में लेने जाते हैं तो एक मतलब एक एवरेज जो प्राइस है वो मिनिमम आपको 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है एक जो नॉर्मल ब्रांड होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं काफ़ी सारे ब्रांड की TV आ रही हैं, जैसे एक अभी नया ब्रांड आपने सुना होगा सिंको ब्रांड सुना है, तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट में जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वहाँ पे जो ब्रांड नए ब्रांड आते हैं तो वहाँ पे जो TVs LED वगैरह होती हैं उनका जो प्राइस है काफ़ी कम रखते हैं वो, क्योंकि मार्केट में जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है आज के डेट में। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड आ चुके हैं मार्केट में, बाहर की काफ़ी सारी कंपनियाँ इंडिया में लॉन्च कर रही हैं अपने प्रोडक्ट, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है आज के डेट में। तो यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस मैंने देखा अभी तक मार्केट में वो 10,000 रुपीज़ से एटलीस्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे LED TV का 32 इंच का। तो यहाँ पे मैंने जब प्राइस कंफर्म किया तो आप सभी लोगों को सुनकर के शायद ऐसा लगे कि नहीं इस प्राइस में तो TV मिल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे मुझे 6,000 रुपीज़ में 32 इंच का LED TV यहाँ पे उन्होंने प्राइस मुझे ऑफ़र किया। तो अब 6,000 रुपये में आप सोच सकते हो कि एक 32 इंच का LED TV वो भी स्मार्ट LED TV आपको कैसे देखने को मिल सकता है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद तक कुछ गड़बड़ है, प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ होगा। तो चेक किया मैंने, सारी चीज़ें चेक की तो उसमें नॉर्मल जो TV आप देखते हैं मार्केट में तो सेम वैसा ही TV था, दिखने में सेम था और मतलब सैमसंग, LG और सोनी इन सब ब्रांड के साथ में आपको लेवल वगैरह सभी देखने को मिल जाते हैं उनमें, यानी कि किसी भी लेवल के साथ में आप ले सकते हो सैमसंग, सोनी और LG, किसी भी ब्रांड का लेवल आपको उसमें लगा के वो दे देते हैं।
तो ऐसी चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और आपको ब्रांडेड मतलब टीवी बोल करके लोकल टीवी काफ़ी लोगों को मतलब जिनको नहीं पता है ब्रांड के बारे में कि वो टीवी ओरिजिनल कैसे होते हैं, लोकल क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है, उनको ज़्यादा जिसको फ़र्क नहीं पता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो डीलर होते हैं, जो मतलब सेलर होते हैं, तो यहाँ पे लोकल टीवी को भी वो ब्रांडेड बता करके सेल कर देते हैं और उनसे ब्रांडेड टीवी के थोड़े बहुत कम करके पैसे उनसे ले लेते हैं। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, काफ़ी सारे केसेस ऐसे मैंने देखे कि मतलब उन्होंने बताया कि हमने एक एलईडी टीवी परचेस किया है और मतलब कंपनी वो सोनी कंपनी की एलईडी टीवी परचेस किया हमने, और यहाँ पे उनको जो टीवी है वो प्राइस यदि कंफर्म करें तो मार्केट में जैसे 24,000 रुपये का कोई एलईडी टीवी है वो उनको मिल रहा है 18,000 रुपये में, तो इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसकी जो कॉपी मार्केट में चल रही है काफ़ी ज़्यादा, वो ब्रांड लेबल लगा करके लोकल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं, तो ये चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं जैसे आपको बताऊं कि अब जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा तो लेकिन टीवीज़ तो ये भी अच्छी चलती हैं, लोकल टीवी भी अच्छी चलती है और ब्रांडेड टीवी भी ठीक चलती है, यहाँ पर लोकल टीवी भी उतनी ही सर्विस देती है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं और प्राइस कम है। तो हाँ सही है, मतलब प्राइस कम है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है प्राइस कम, और क्वालिटी वाइज भी यदि मैं बात करूँ तो क्वालिटी भी कोई इतना ज़्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यदि एकदम डीपली यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जब पिक्चर क्वालिटी की यदि बात करते हैं तब वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जो एक ब्रांडेड टीवी होती है जैसे हम बात करते हैं सैमसंग की, तो यहाँ पे सैमसंग में आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लियरिटी देखने को मिल जाती है, सैमसंग हो गई, सोनी हो गई, एलजी हो गई, तो इन जो ब्रांडेड टीवी होती है इनमें पिक्चर क्लियरिटी जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। एक मतलब जैसे QLED टीवी हो गई आपका, OLED टीवी हो गई, तो इन सब में जो पिक्चर क्लियरिटी है इतनी शानदार पिक्चर क्लियरिटी आपको देखने को मिलती है वो शायद आपको लोकल टीवी में देखने को नहीं मिल पाएगी। तो ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो दोनों मतलब एक नॉन ब्रांड और ब्रांडेड टीवी होती हैं तो वहाँ पे डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है कि एक नॉर्मल साइज़ जैसे 43 इंच हो गई और 49 इंच हो गई, 32 इंच हो गई, ये इन साइज़ तक में आप यदि लोकल टीवी और ब्रांडेड टीवी में जाते हैं तो यहाँ पे क्योंकि कंटेंट जो है अभी हमारे यहाँ पे यदि बात करते हैं इंडिया पे, तो इंडिया में कंटेंट क्या आ रहा है, HD कंटेंट ज़्यादातर आ रहा है, मतलब मैक्सिमम आप HD कंटेंट देखते हैं, HD कंटेंट भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन मैक्सिमम यदि मैं बात करूं तो HD कंटेंट चलता है अपने यहाँ पे, लोकल डिश हो गए या फिर डिश एंटीना जो आप छतरी वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम HD कंटेंट देखने को मिलता है। HD बहुत ही कम चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि HD में है, हालांकि अब धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है लेकिन मैक्सिमम आपको HD चैनल देखने को मिलते हैं। और जितने भी आप स्मार्ट टीवी परचेस करते हैं या फिर नॉन स्मार्ट हो, स्मार्ट हो, जितने भी ब्रांडेड टीवी हो या फिर नॉन ब्रांडेड टीवी हो, तो सभी में आपको जो HD कंटेंट है वो एक अप्रॉक्सीमेटली यदि देखा जाए तो लगभग आपको सभी टीवीज़ में आपको पिक्चर क्लियरिटी लगभग सेम देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि जो इनका जो पिक्चर इंजन यूज़ किया जाता है टीवी के अंदर पे, तो वो HD अपस्केलर, 4K अपस्केलर आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी टीवीज़ में आपको ये देखने को मिलता है जो अपस्केलर होता है, तो वहाँ पे HD अपस्केलर जो होता है तो HD पिक्चर क्वालिटी को वो अपस्केल करता है, यानी कि उसके पिक्सल को बढ़ा देता है और उसको एक 4K कंटेंट में अपग्रेड कर देता है। तो वहाँ पे जो पिक्चर क्लियरिटी है उसके जो पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा फटते नहीं हैं और आपको वही पिक्सल बढ़ा करके जैसे कि HD कंटेंट है आप जैसे देख रहे हैं 720p का रेजोल्यूशन आपको उसमें देखने को मिलता है, तो उसको अपस्केल कर करके 1080p या फिर 2160p, तो ऐसे मतलब उनको जो पिक्सल को है उनको बढ़ा देते हैं, तो उसको आप स्केल करके उसी पिक्चर को बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाते हैं, तो वहाँ पे जो पिक्चर क्लियरिटी उसकी थोड़ा बहुत अपग्रेड हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ब्रांडेड टीवी में देखने को मिल जाती हैं, हालांकि लोकल टीवी में भी आपको ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको रिमोट की बात करें, जैसे कि अभी जितने भी आप स्मार्ट टीवी परचेस करेंगे सभी में आपको गूगल असिस्टेंट रिमोट आपको देखने को मिलता है, तो अब लोकल टीवी जितनी आ रही है उनमें भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये टेक्नोलॉजी है तो जो ब्रांड मतलब जो बनाते हैं उन सभी की जो कॉपी है वो आपको लोकल टीवीज में देखने को मिल जाती हैं, तो जो नए नए ब्रांड जितने लेके आते हैं सारी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं वो कॉपी करके सेम वो लोकल टीवी वाले असेंबल करके वो सारी चीज़ें सेल आउट कर देते हैं। तो पिक्चर क्लियरिटी की यदि बात करें तो जो पैनल होता है टीवीज़ का, तो वो पैनल मैक्सिमम टीवीज़ क्या करते हैं, पैनल तो अब सभी ब्रांड बनाते नहीं हैं, सभी एक दूसरे से परचेज़ करते हैं ब्रांड, तो यहाँ पे
ब्रांड क्या करते हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं चाइना से पैनल को। तो यहाँ पे लोकल टीवीज़ में भी सेम रहता है, पैनल को जो है वो इंपोर्ट करते हैं, फिर उन सभी चीज़ों को बॉडी वगैरह मतलब सभी चीज़ें जितनी भी होती हैं यहाँ पे सप्लाई हो गया, कार्ड हो गया, सारी चीज़ें मिला करके जो आपकी जो एक एलईडी टीवी होती है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि सभी चीज़ों को जैसे इम्पोर्ट करते हैं बाहर से और उसको असेंबल करके सेल आउट करते हैं। तो तभी इस कारण से, और ब्रांड रहता नहीं है कोई, नॉर्मल ब्रांड है, किसी भी लेवल लगा करके वो उसको सेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस कारण से इनको ये जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो हालांकि पिक्चर क्लियरिटी का भी इतना ज़्यादा, यदि आप नॉर्मल टीवीज़ में यदि जाएँ 32 इंच की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे पिक्चर क्लियरिटी का इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और लगभग लगभग आपको सेम ही देखने को मिलता है। हालांकि इनमें आपको एक चीज़ का इशू रहता है, इनमें वारंटी कवर नहीं होती है। जो भी लोकल टीवी आप लोकल ब्रांड का आप परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको वारंटी कवर नहीं होती है। लेकिन वहीं पे यदि बात करते हैं एक ब्रांडेड टीवी की या फिर ब्रांडेड किसी भी प्रोडक्ट की आप करें बात, तो वहाँ पर आपको एक वारंटी मिलती है, आपको एक ट्रस्ट मिलता है कि ये ब्रांड है इतने टाइम से मार्केट में है, तो वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम यदि आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, तो यहाँ एक आपको एक ट्रस्ट मिल जाता है उस ब्रांड के साथ में। और वही चीज़ क्या होती है, लोकल प्रोडक्ट में भी परचेस करते हैं आप तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो एक सर्विस का इशू आता है, तो आपको यहाँ पे सर्विस नहीं मिलती है लोकल किसी भी प्रोडक्ट में, आपको सर्विस नहीं मिलती है, चाहे वो आपका 6 महीने में ख़राब हो जाए या फिर साल भर में ख़राब हो, 2 साल में 3 साल में कभी भी ख़राब होता है, तो यहाँ पे कंपनी के साइड से आपको सर्विस नहीं मिलती है। वो आपको ओपन मार्केट में ही जाकर के आपको दिखाना होगा, यदि टीवी कुछ भी आपका ख़राब होता है, टीवी या फिर कोई भी प्रोडक्ट है XYZ, तो वो आपको ओपन मार्केट में जाकर के दिखाना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अब मैं बात करूँ आपको अदर प्रोडक्ट की, यदि मैं बताऊँ तो अदर प्रोडक्ट में जैसे कि होम थिएटर की बात करें, तो होम थिएटर आप क्या सोचते हैं कितने से स्टार्ट हो जाता है, यदि मैं बात करूँ 4.1 चैनल होम थिएटर की तो कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता होगा। तो मैं मतलब जब होम थिएटर का प्राइस कन्फर्म किया तो होम थिएटर यहाँ पर लगभग 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं 4.1 चैनल का। आप सोच सकते हैं कि 1000 रुपये में क्या आता होगा, 1000 रुपये में नॉर्मल यदि हम मतलब मार्केट में जाते हैं यदि परचेज करने, तो नॉर्मल जो स्पीकर होते हैं ब्लूटूथ स्पीकर वो हमको मिलते हैं अप्रॉक्स 1000 रुपए से। लैपटॉप वाले स्पीकर यदि मूवी वगैरह देखने के लिए हमको चाहिए, एक छोटे जो 2 स्पीकर आते हैं USB से अटैच होते हैं, इनको USB वाला पावर वाला जो स्पीकर आता है, तो वो हमको मिलता है लगभग 800 रुपए 900 रुपए। तो 900 1000 रुपए में आपको यहाँ पे 4.1 चैनल का आपको होम थिएटर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं जो लोकल मार्केट है। तो यहाँ पे आपने कभी शायद सोचा नहीं होगा, आप तो ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में अब Amazon हो गया, Flipkart हो गया, Paytm हो गया, काफ़ी सारे ऐसे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अब लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि मार्केट में जाते नहीं हैं, कुछ कंफर्म नहीं करते हैं, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें शॉपिंग करते हैं। तो हालांकि अच्छी बात है, आपको घर बैठे आपको इतनी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिलीवरी हो जाती है आपके घर पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, अच्छी चीज़ है। लेकिन ऑनलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा अब आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा लोकल ब्रांड जितने भी हैं अब ऑनलाइन सेल आउट होने लग गए हैं। तो यहाँ पे कॉपी प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी यही अब देखने को मिल जाती हैं अब। तो आप यदि आप कुछ किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो एक बार मार्केट में जा कर के उसका प्राइस जो है और कैसे फ़ीचर वगैरह सारी चीज़ें आप एक बार लोकल मार्केट में भी जाकर एक बार चेक करें उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट एक नॉन ब्रांड प्रोडक्ट आपको दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि एक जो नॉन ब्रांड प्रोडक्ट होता है वो भी आपको एक अच्छी सर्विस दे करके चला जाता है। मतलब यदि बात करें किसी भी प्रोडक्ट की, यदि आप कुछ परचेस कर रहे हैं, सपोज आप एक होम थिएटर परचेस कर रहे हैं, तो होम थिएटर में भी आपको जो साउंड की जो क्लियरिटी होती है, हालाँकि एक जो एक ब्रांड होता है वो हमेशा सर्विस जो है काफ़ी मैटर करती है सर्विस, तो सर्विस जो है ब्रांड एक काफ़ी अच्छे सर्विस आपको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं लोकल प्रोडक्ट की, लोकल प्रोडक्ट में आपको सर्विस नहीं मिलती है, आपको यदि प्रोडक्ट ख़राब होता है तो आपको बाहर ही मार्केट में किसी से यहाँ पे उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो यदि मैं होम थिएटर की बात करूँ तो होम थिएटर में जो साउंड एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो बेस हो गया, जो ट्रेबल हो गया, है ना, तो ये जो मतलब एक्सपीरियंस की यदि बात करें तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट में भी कई बार आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है
कि कई बार क्या होता है कि एक लोकल प्रोडक्ट परचेस करते हैं हम, तो वहाँ पे भी आपको एक ऐसा मतलब क्वालिटी देखने को मिल जाती है जो कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही तगड़ी आपको देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे प्राइस की भी बात करें तो आधे से भी कम प्राइस में हमको वो लोकल मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो एक बार आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यदि परचेस करते हैं तो लोकल मार्केट में जा कर के आप चेक ज़रूर करें, भले वो आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप उसे ऑनलाइन देख रहे हैं तो लोकल में भी जा कर के उसका प्राइस कन्फर्म करिए एक बार कि क्या चल रहा है मार्केट में प्राइस, क्योंकि ऑनलाइन में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको आप लोगों को बनाया जाता है कि यहाँ पे सेल चल रही है, सेल प्राइस MRP डाल देते हैं कि इतनी MRP है और 50% ऑफ चल रहा है, 40% ऑफ चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है आज की डेट में। लेकिन हालांकि होता क्या है कि आप यदि मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में यदि आप पता करते हैं तो उससे भी कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि कितना मतलब वो प्रोडक्ट है, कैसा चल रहा है सारी चीज़ें, तो वो एक्सपीरियंस करने भी मिल जाता है। तो एक बार आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो लोकल मार्केट में जाकर के भी देखें, भले वो ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों ना हो और लोकल प्रोडक्ट क्यों ना हो, तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करिए कि आपको ज़्यादा क्वालिटी किस में मिल रही है और आप पैसे यदि उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे इतनी आसानी से तो कोई कमाता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है पैसे कमाने में। तो चीज़ों को कंपेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है हालांकि, और उतनी ज़्यादा किसी प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने बात की नहीं, तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप मार्केट में गए हों और आपने वहाँ पे कुछ इसी टाइप के कुछ प्राइस देखे हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लोकल और ब्रांडेड प्रोडक्ट का, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।